जय हिंद टू ऑल ऑफ यू सेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स. टुडे वी स्टडी अबाउट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 4. ओके सो स्टूडेंट्स टुडे वी कंडक्ट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 इज द हीट. तो सम क्वेश्चन आंसर वी कंप्लीटेड सेक्शन नंबर 1 की जो क्वेश्चन आंसर है हमने कंप्लीट कर लिए हैं. आफ्टर देन वी कंडक्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ सेक्शन नंबर बी टुडे. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर बी का फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ. इसका मींस है कि जो हीट होती है वो अर्थ पर किस रूप में पहुंचती है. ठीक है तो आंसर है हीट फ्रॉम द सन रीचेस बाय रेडिएशन. तो जो हीट है वो जो गर्मी है वो अर्थ पर या पृथ्वी पर हीट के फॉर्म में या रेडिएशन के फॉर्म में जाती है अर्थ तक पहुंचती है. ठीक है तो हीट द हीट रीचेस टू द अर्थ इन रेडिएशन फॉर्म. ओके रेडिएशन में आती है इसे जो किरणें होती है प्रकाश को से रेडिएशन कहेंगे हम. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज इंसुलेटर गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड व्हिच इज एन इंसुलेटर. इसका मीनिंग है इंसुलेटर क्या है और किसी एक सॉलिड इंसुलेटर का एग्जांपल हमें यहां देना है. ठीक है तो आंसर है यहां द मटेरियल व्हिच कैन नॉट फ्लो हीट इज कॉल्ड इंसुलेटर. वह मटेरियल जो हीट को फ्लो नहीं करता ठीक है वो इंसुलेटर होता है जिसमें से हीट फ्लो नहीं होती. जैसे एग्जांपल वुड या लकड़ी या रबर. क्या है अगर हम इसे हीट करेंगे या गर्म करेंगे तो जल जाएगा. ठीक है हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर नहीं होती. ओके यहाँ पे आंसर वुड एंड रबर इज सॉलिड इंसुलेटर. वुड एंड रबर लकड़ी और रबर जो है वो एक सॉलिड इंसुलेटर होते हैं. ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज रेडिएशन. व्हाट इज रेडिएशन रेडिएशन क्या है. ओके तो आंसर है रेडिएशन का मीनिंग आंसर डायरेक्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी. ठीक है तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट का डायरेक्ट ट्रांसफर होता है. ठीक है विदाउट एनी मीडियम किसी मीडियम के थ्रू भी क्या नहीं कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे सनलाइट जो है सन से आती है और हमारे वाटर में चर्ची आती है वाटर गर्म हो जाता है. ठीक है तो यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू क्या आता है यहाँ पे ये जो रेडिएशन होती है जो बिना किसी मीडियम के अर्थ तक पहुँचाती है. जो रेडिएशन होते हैं वो वैक्यूम में भी क्या आती है जा सकती है. अब नेक्स्ट व्हाई आर द इनर सरफेस ऑफ सोलर कुकर पेंटेड ब्लैक. जो सोलर कुकर की इनर सरफेस है या अंदर की सरफेस है वो ब्लैक क्यों पेंटेड होती है ब्लैक करने से क्यों पुती हुई रहती है. ठीक है तो यहाँ आंसर है द इनर सरफेस ऑफ आ सोलर कुकर पेंटेड ब्लैक. जो है ब्लैक क्यों ब्लैक. ठीक है ब्लैक बिकॉज ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर. जो ब्लैक कलर होता है वो गुड एब्जॉर्बर है अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद अच्छे से क्या करता है मतलब कि बाहर उत्सर्जित करता है या रेडिएट करता है. ठीक है निकालता है. तो क्या होता है जो सोलर कुकर है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाद में उसमें सनलाइट क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है या रेडिएट होती है तो जो भोजन था वो पक जाता है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू लीव अ स्टील स्पून इन अ पॉट ऑफ बॉइलिंग सूप फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स. यदि आप स्टील के चम्मच को या कड़छी को बॉइलिंग सूप में डालकर कुछ समय तक रख देंगे उबलते हुए सूप में तो क्या हो जाएगी स्पून गर्म हो जाएगी. यदि उसे टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा काफी गर्म हो जाती है. ठीक है तो यहाँ पर स्पून में हीट का
ट्रांसफर किस स्पीड किस प्रकार से होता है? तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होती है बाय कंडक्शन प्रोसेस। क्या होता है, स्पून मेटल है और सॉलिड है, इसमें आपको पता है सॉलिड में हीट का कंडक्शन, कंडक्शन हीट का जो ट्रांसफर होता है कंडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। तो इन दिस केस हीट ट्रेवल बाय कंडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे चम्मच में हीट जो ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट का ट्रांसफर होती है। ओके, जय हिंद, आई लव यू। दिस क्वेश्चन आंसर कंप्लीट इन योर कॉपी। ओके, एंड योर यूनिट टेस्ट पोर्शन इज अ चैप्टर नंबर 3 ओनली, अंडरस्टैंड इट, कंप्लीट योर होमवर्क एंड prepare your test portion. Jai Hind, all of you. It is your today SW.